लॉकडाउन है पूंछ में, तो इसके हवाले से बताएंगे कि आपकी तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर लगाया गया इसके हवाले से बताएं। देखिए, कोरोना वायरस के चलते हुए जो लॉकडाउन है उसको स्ट्रिक्टली हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने लोगों को सहूलियत देने के लिए जो लोग बीमार हैं या फिर ओल्ड एज में हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो डिस्प्ले किए हैं। उसमें एक लैंडलाइन नंबर है और एक मोबाइल नंबर है। ये जो नंबर हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो बाहर से जा नहीं सकते या फिर अपना सामान जो है वो मंगवा नहीं सकते। तो जो भी नीडी लोग हैं वो इस नंबर पे फ़ोन कर करके अपनी जो दिक्कत है वो हमें बताते हैं, और उसी तरह से जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं या फिर वॉलंटियर्स हैं वो उस कॉल को एड्रेस करते हुए जो भी उनकी ज़रूरत है वो उनके घर तक जो है वो पहुंचाते हैं। इस तरह का जो मैकेनिज्म है ये पूरी जगह पे पुलिस ने इस्टेब्लिश किया है,
और इवन मेंढर और सुरनकोट जो टाउन है वहाँ पे भी हमने जो पुलिस स्टेशन के नंबर हैं उसको उनको लोगों को बताया है कि अगर उन कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके वो अपनी जो परेशानी है उसका उजाला कर सकते हैं। तो सर साथ में देखने में आता है कि मुफ्ती जगह पे आपकी तरफ से अरेंजमेंट्स किए हैं पुलिस के, चाहे वो नाका लगाया लोग फिर भी उसका लॉकडाउन का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है? देखिए ये जो लॉकडाउन है ये हम सब के लिए है, हम सब की हिफाजत के लिए है और इसमें बाय एंड लार्ज लोग जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें कोई मेजर वायलेशन की कहीं से भी कोई खबर नहीं है। हाँ इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो इस तरह की वायलेशन में इंडल्ज होते हैं तो उसके खिलाफ़ हम लोग जो है वो कार्रवाई करते हैं। अभी तक कोई 30 के करीब FIR जो हमने लॉन्च की हैं उन वायलेटर्स के खिलाफ और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी अगर कोई इस तरह की चीज़ों में पाया गया तो सर आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को किस तरह का पैगाम? देखिए मैं तो लोगों को अपील करूँगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उसको वो फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें, घरों पे रहें और जितना वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसमें तावन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है इसको दूर करने का या इससे बचने का जो एक ही उपाय है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और डिस्टेंस मेंटेन करें और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उसको फॉलो करें।